अस्सलाम वालेकुम जी, एहसान अब्बासी मिशन एंड टूरिज्म क्लब की तरफ से इस वक्त आया हूँ मैं इस्लामाबाद के टॉप पे, और वो है डाइनो वैली। डाइनो वैली में आया था लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी जो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी, तो मैंने सोचा ज़रा आप भाइयों से उसके हवाले से थोड़ा सा शेयर कर दूँ। डाइनो वैली की जो पार्किंग है उस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इनकी जो पार्किंग है, गाड़ी तो हम पार्क करते हैं लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो लिख के लगाई हुई है वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखें, जितने लोग भी डाइनो वैली आते हैं तो अगर इनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो 100% ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है गाड़ी की हिफाजत की। लेकिन एक चीज़ इन्हें लिख के लगाई हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बताएं क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त देखें जी, डाइनो वैली की ये पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये सामने एक चीज़ लिखी हुई है जो मेरी समझ में तो नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। लिखा हुआ है जी, पार्क एट योर ओन रिस्क, डाइनो वैलीज मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डैमेज और लॉस। अगर इनकी पार्किंग में ये ज़िम्मेदार नहीं होंगे तो कौन होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की पार्किंग में या पार्क जो हैं उनकी पार्किंग में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो पर्ची भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी के कुछ नुकसान गाड़ी का हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर ज़िम्मेदार आप लोग नहीं हैं तो आप किस चीज़ के पैसे लेते हैं, या आप इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ज़िम्मेदार भी डाइनो वैली को होना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी अपनी राय दें, हो सकता है कि मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचे तो वो इस बात को थोड़ा सा सीरियस लें और शायद कुछ बेहतरीन इकदाम करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।